नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 27 जून को 24 पीजी टॉपरों को राज्यपाल देंगे गोल्ड मेडल। दरभंगा एम्स के निर्माण पर सीएम नीतीश का बयान। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। पटना जिले के स्कूलों का होगा जीर्णोद्धार। वेस्टइंडीज दौरे पर रिंकू सिंह समेत इन प्लेयर्स का हो सकता है सिलेक्शन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दो आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बीते दिन अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में दो आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस अधिसूचना के अनुसार जिन दो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार का नाम शामिल है। मालूम हो कि पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना का प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार को गृह विभाग बिहार पटना के सचिव के रूप में पदस्थापित कर दिया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण पर सीएम नीतीश का बयान। बिहार के दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शोभन बाईपास पर एम्स के निर्माण के लिए दी गई 151 एकड़ जमीन को लेने से यह बोलकर इनकार कर दिया गया कि जो जमीन उपलब्ध कराई गई है वह एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बिहार सरकार के द्वारा यह तय किया गया है कि दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर जो जमीन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था उसे फिर से उन्हें भेजा जाएगा। वह इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए जिस स्थान का चयन किया गया था वह काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि उस जमीन को कोई भी जाकर देख सकता है। वहाँ जो दो लेन का रास्ता है उसको भी बढ़ाकर फोर लेन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जगह पढ़ाई के लिए अच्छी हो जाएगी। बिपरजॉय तूफान से 15 जून तक बिहार की कई गाड़ियां प्रभावित। बिपरजॉय तूफान की आशंका को देखते हुए पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के द्वारा कहा गया है कि पश्चिम रेलवे के द्वारा तूफान से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तूफान को देखते हुए पश्चिम रेलवे के द्वारा बिहार से खुलने वाली या बिहार से होकर गुजरात को गुजरने वाली कई ट्रेनों को 15 जून तक रद्द या आंशिक रद्द कर दिया गया है। बता दें कि जिन ट्रेनों के साथ ऐसा किया गया है उसमें गाड़ी संख्या 15636 गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 19270 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस और 19269 पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस शामिल है। उन्होंने बताया कि गुजरात के बिपरजॉय प्रभावित क्षेत्रों में आज 56 ट्रेनें रद्द की गई हैं और कल से 15 जून तक बिपरजॉय के प्रभाव से 95 ट्रेनें रद्द रहेंगी। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को मिली जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि मिल चुकी है। बता दें कि उन्हें यह उपाधि उनके समर्पण भाव और सनातन धर्म के प्रचार योगदान को देखते हुए श्री त्रिटंडी स्वामी जी के परम शिष्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी के द्वारा दी गई है। और इसी के साथ पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के द्वारा अपना पूरा जीवन रामानुजाचार्य परंपरा को आगे बढ़ाने का शपथ भी लिया गया। वहीं अब गुप्तेश्वर पांडे जून जुलाई माह तक गुजरात महाराष्ट्र व कर्नाटक का दौरा करेंगे और फिर अगस्त में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का दौरा करेंगे। इसके बाद सितंबर माह में गुप्तेश्वर पांडे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिडनी में आध्यात्मिक यात्रा समाप्त कर फिजी देश में लोगों को राम कथा सुनाएंगे। वहीं जगत गुरु रामानुजाचार्य की उपाधि हासिल करने के बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के द्वारा कहा गया कि अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि वह जीयर स्वामी जी के आदेशों का पालन करें और सनातन धर्म का प्रचार करें। 27 जून को 24 पीजी टॉपरों को राज्यपाल देंगे गोल्ड मेडल। 27 जून को बिहार की राजधानी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह की अध्यक्षता में पीजी सत्र 2020-22 विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा पीजी सत्र 2020-22 के 24 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए हर विषय में टॉप प्रथम से लेकर 35वां स्थान लाने वाले विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका दिया गया है। ऐसे में ये छात्र अपना रजिस्ट्रेशन 20 जून तक विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.ppup.ac.in पर जाकर कर सकते हैं। बेगूसराय में 14 लाख का विदेशी शराब पुलिस ने किया बरामद। बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन अवैध शराब की तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां छौड़ाही ओपी की पुलिस के द्वारा सूचना के आधार पर
त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब से लदे 3 गाड़ियों, ट्रक पिकअप और मैजिक वैन को अपने जब्त में लिया गया और साथ ही इस दौरान 133 कार्टन विदेशी शराब भी बरामद किया गया जिसकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान करीब आधा दर्जन से अधिक शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल हो गए। मालूम हो कि इस ट्रक को छौड़ाही ओपी क्षेत्र में शराब को अनलोडिंग के लिए लाया गया था। फिलहाल पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 2005 निजी विद्यालयों को बंद कराने के फैसले पर सैयद समायल अहमद का बयान। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा बिहार के 2005 निजी स्कूलों के यू डायस कोड को रद्द कर दिया गया है जिससे कि अब इन स्कूलों की CBSE और ICSE की मान्यता भी खत्म हो जाएगी, यानी कि अब ये 2005 स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं अब इन स्कूलों को सभी नामांकित बच्चों की फीस भी वापस करनी होगी। ऐसे में इस पोर्टल को लेकर निजी विद्यालय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद के द्वारा विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला निंदनीय है। यू डायस पोर्टल एक सॉफ्टवेयर है जिस पर विद्यार्थियों के डेटा को भरना होता है, लेकिन अब इस कार्य को पूर्ण नहीं करने पर निजी विद्यालयों को मृत्यु दंड दिया जा रहा है जो कि कभी कहीं से भी मान्य नहीं है। इसका विरोध राज्य के सभी निजी विद्यालय संचालक, शिक्षक एवं अभिभावक करेंगे। अररिया परसरामा NH के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी। टूलेन मानक पर बना हुआ अररिया जदिया सुपौल परसरामा NH 327 सभी राष्ट्रीय उच्च पथ को करीब 105 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन ग्रीन फील्ड में हाईवे में बदला जाएगा। बता दें कि इसके लिए अब भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मालूम हो कि अगर इस सड़क को 4 लेन में बदल दिया जाता है तो इसका लाभ राज्य के 6 जिलों को मिलेगा जिनमें सुपौल, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा शामिल है। इन जिलों के लोगों को बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्य में आने जाने के दौरान लगभग 80 किलोमीटर की बचत होगी। वहीं सड़क को 4 लेन में परिवर्तन करने के लिए जिन जिलों के तालुका में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा उनमें सहरसा जिले में सत्तरकटैया, सुपौल जिले में छातापुर, किशनपुर, सुपौल, पिपड़ा, त्रिवेणीगंज, अररिया जिले में भड़गामा, रानीगंज और अररिया अंचल शामिल है। बिहार के इस अस्पताल में बगैर सीना खोले वॉल्व रिप्लेसमेंट की सुविधा होगी बहाल। बिहार में पहली बार बगैर सीना खोले तावी तकनीक से वॉल्व रिप्लेसमेंट की सुविधा बहाल होने वाली है। बता दें कि यह सुविधा बिहार की राजधानी पटना में स्थित IGIMS अस्पताल में उपलब्ध होने वाली है। इस बारे में कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस संबंध में बिहार सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। मालूम हो कि तावी तकनीक से वॉल्व रिप्लेसमेंट की सुविधा बहाल होने से 80 साल के बुजुर्ग का भी वॉल्व रिप्लेसमेंट किया जा सकता है और खतरा केवल 3-4% ही रहता है। वहीं तावी तकनीक से वॉल्व रिप्लेसमेंट होने पर मरीज दूसरे दिन से अपना काम करने लगते हैं। वहीं इस तकनीक को किसी भी उम्र के मरीज पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पटना जिले के स्कूलों का होगा जीर्णोद्धार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार की राजधानी पटना जिले के 300 प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्कूलों में जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। वहीं जिले के प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में 449 शौचालयों का भी निर्माण करवाया जाएगा जिसमें 182 लड़कों के लिए और 267 लड़कियों के लिए होगा। इसके साथ ही जिलों के 32 स्कूलों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा और 31 स्कूलों में हेडमास्टर के लिए 1 रूम भी तैयार किए जाएंगे। मालूम हो कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग की ओर से जिले के विभिन्न स्कूलों के खातों में भेज दी गई है। वहीं इन स्कूलों में निर्माण कार्य को पूरा करने का समय 30 जून तक निर्धारित किया गया है। ऐसे में जिन स्कूलों में 30 जून तक काम को पूरा नहीं किया जाएगा उस स्कूल के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। MBBS में भी लागू होगा मल्टी चॉइस क्रेडिट सिस्टम। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा अपने नए नियमों में नीट UG मेरिट लिस्ट के आधार पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों में MBBS में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग का प्रस्ताव दिया गया है। ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 का नया नियम जारी किया है। बता दें कि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि स्टेट कोटे के तहत कॉमन काउंसलिंग करवाना संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग राज्यों में आरक्षण पॉलिसी अलग अलग है और साथ ही बिहार में अब लड़कियों के लिए भी 33% सीटें आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। बता दें एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें काफी स्टूडेंट्स के बाहर होने की आशंका भी है। इन सब के साथ ही अब MBBS पे भी मल्टी चॉइस क्रेडिट सिस्टम लागू होगा, यानी कि स्टूडेंट्स भी एक साथ कई कोर्स कर सकते हैं और साथ ही सेमेस्टर में क्रेडिट भी दिए जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स को अधिकतम 9 साल में अपनी MBBS की डिग्री पूरी कर लेनी होगी। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। आज बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन के द्वारा बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है। बता दें कि उन्होंने यह इस्तीफा आज विजय कुमार चौधरी से मिलने के बाद दिया है। दरअसल मांझी और संतोष सुमन के द्वारा बंद कमरे में विजय कुमार चौधरी से बातचीत की गई और फिर संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा विजय कुमार चौधरी को सौंप दिया। ऐसे में अब सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा चलने लगी है कि संतोष सुमन का मंत्री पद से इस्तीफा देना महागठबंधन में बड़ी टूट का इशारा है। अब
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संतोष सुमन बिहार सरकार में एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री थे। वहीं इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा है कि जेडीयू हम पार्टी को खुद में विलय करवाना चाहती थी, ऐसे में पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद पर साधा निशाना। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान सभी को संबोधित करते हुए बगैर किसी का नाम लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि देश में जारी ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन का भी प्रमाण है। हमने देखा है कि हमारे देश में परिवारवादी सियासी दलों के द्वारा हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया है। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो भी ये भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ही करते थे। देश के करोड़ों लोगों के इन पार्टियों ने विश्वासघात किया है, लेकिन आज हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी भी लाई और भाई भतीजावाद को भी खत्म किया। देश में एक तरफा परिवारवादी पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार में आंकट डूबी हुई है। ये देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां हैं। उनका रास्ता है रेड कार्ड, जबकि हम युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का काम कर रहे हैं। रेड कार्ड आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं, जबकि हम आपके संकल्पों को साकार करने में लगे हैं। वेस्ट इंडीज दौरे पर रिंकू सिंह समेत इन प्लेयर्स का हो सकता है सिलेक्शन। बीसीसीआई के द्वारा वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आईपीएल 2023 में अपनी बल्लेबाजी से सनसनी फैलाने वाले रिंकू सिंह को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले टी20 सीरीज में मौका मिल सकता है। वहीं रिंकू सिंह के साथ साथ यशस्वी जायसवाल को भी टी20 टीम के लिए बुलावा आ सकता है। इनके अलावा जितेश शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ भी सेलेक्टर्स पर भरोसा दिखा सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सरफराज खान को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही जायसवाल को भी क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में आजमाया जा सकता है। इसके साथ ही कैरेबियाई टूर पर टेस्ट टीम में सेलेक्टर्स ईशांत किशन को आजमा सकते हैं। मालूम हो कि भारत को कैरेबियाई टीम के खिलाफ भारत को 2 टेस्ट 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 96.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा कसनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन मदुरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने मदुरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम नारायण दास, मोहम्मद सकीर हुसैन, अंशु प्रिया, दीपक कुमार कुशवाहा, रविशंकर, रंजीत मिश्रा, पप्पू कुमार, उमेश ऋषिदेव, कुमारी संजना, योगेंद्र कुमार सिंह, पीके पासवान, सदुल्लाह पलवी, कमलेश शर्मा, बाबूलाल मरांडी, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार सरकार द्वारा राज्य के 2005 स्कूलों को बंद करवाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।